हेलो सर स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे सिस्क इंट्रोडक्शन टू सिस्क एंड फीचर्स इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया सिस्क में फीचर्स क्या है उसके और उसकी इंट्रोडक्शन क्या है आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिस्क तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है फर्स्टली तो हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं फर्स्ट एडवांटेज क्या है सिस्क की गुड प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी इवन इन असेंबली लैंग्वेज मीनिंग असेंबली लैंग्वेज क्या होती है जिस जिसमें कुछ सिम्बल्स होते हैं उस सिम्बल्स में हम वर्क करते हैं सपोज करो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है एड का ठीक तो हम डायरेक्टली एड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एम यू एल करके मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे ठीक और लोड करना है तो लोड के कमांड पे क्लिक करेंगे स्टोर करना है तो स्टोर के कमांड पे क्लिक कर लेंगे मतलब जहाँ पर हम फिक्स्ड सिंबल्स पे काम करते हैं फिक्स्ड होता है कि इसको प्रेस करेंगे या इस कमांड का हम यूज़ करेंगे तो ये वर्क करेगा वो असेंबली लैंग्वेज होती है ठीक बेसिक लैंग्वेज तो ये कह रहा है कि जो सिस्क आर्किटेक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स वाले में जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग्स होती हैं कंप्यूटर को डिजाइन करने के लिए उसके आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए उन सब पे तो वर्क करता है ईजिली अच्छे से वर्क करता है लेकिन ये कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज जो होती है ना उस पर भी उस प्रोग्रामिंग को यूज करके भी इसे अच्छा क्रिएट किया जा सकता है बली लैंग्वेज है उसके अंदर भी हम गुड प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं सिस्क की सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंटेक्चर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सिंग आर्किटेक्चर क्या करता है स्पोर्ट करता है कॉम्प्लेक्सिंग मोड्स को कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स कौन से होते हैं कॉम्प्लेक्स मीनिंग जैसे हमने रिस्क में किया था रिस्क में हमने डिस्कस किया था कि थ्री टू फाइव अड्रेसिंग मोड्स को ही वो यूज कर पाता है इससे ज्यादा नहीं करता ठीक है थ्री टू फाइव इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड्स जो हम सिस्क में यूज़ करते हैं वो नंबर ऑफ होते हैं मतलब ज़्यादा काउंटिंग में होते हैं लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तो यही कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस में वो कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स को भी यूज़ करता है ठीक है सिर्फ थ्री टू फाइव नहीं करता जैसे रिलेटिव हो गया रिलेटिव इमीडिएट इंटरमीडिएट जितने भी हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स हैं उनको यूज़ करता है जितने ज़्यादा वो यूज़ कर सकता है उतना अलोइंग डेटा स्ट्रक्चर एंड आर एक्सेस शो बी कम्बाइंड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन अलोइंग द डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर सबको पता है डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं डेटा को मैन्यपुलेट करना एक अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स टेक्निक्स का यूज करते हैं तो ये डेटा स्ट्रक्चर को और एरे एक्सेसिस को ये अलो करता है कि वो कंबाइन कर सके एक सिंगल इंस्ट्रक्शन instruction में इंस्ट्रक्शंस देखो ये क्या कहना जा रहा है एरे में क्या होता है सिमिलर काइंड्स का डेटा स्टोर होता है चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो सी में सी प्लस प्लस किसी भी लैंग्वेज में हो लेकिन एरे का मीनिंग सब जगह सेम रहता है चाहे आप उसको कोई भी लैंग्वेज में यूज़ करो मीनिंग क्या होता है जब हम सिमिलर टाइप के डेटा को एक कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तब हम एरे का यूज़ करते हैं है ना एरे का यूज़ करते हैं इसमें क्या होता है कंटीन्यूस मेमोरी होती है अगर ये हंड्रेड नंबर पर वन हंड्रेड वन वन हंड्रेड टू वन हंड्रेड थ्री जो भी इसके एड्रेस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा उसके डेटा टाइप पे अगर तो फ्लोट है फ्लोट में क्या होगा फोर फोर का गैप आएगा एड्रेसिंग में यहाँ पर हंड्रेड है फर्स्ट सेकेंड वन जीरो फोर होगा नेक्स्ट वन ज़ीरो एट हो जाएगा है ना लेकिन अगर इंट होगा तो टू टू का डिफरेंस आ सकता है वो कंपाइलर पे बेस करता है कि किसका डेटा टाइप पे कितना स्पेस वो कंटेन करेगा ठीक है हमारा टॉपिक ये 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 नहीं है कि क्या है हमारा ये है कि कि एरे क्या हमारा टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर्स और एरे को ये एक्सेस देता है कि वो एक्सेस कर सके कंबाइंड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक जगह पर डेटा को ऑर्गेनाइज कर सके और एरे का यूज कर सके ठीक विथ रिजल्ट इन फ्यूवर कॉल्स मेन मेमरी इसलिए अगर जो लाइन में कॉन्जिक्यूटिव लाइन में इंस्ट्रक्शन फिक्स्ड हो चुकी हैं ये इंस्ट्रक्शन वन है टू है थ्री है फोर है ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं ठीक है ठीके? ये इंस्ट्रक्शन जो है एक एड्रेसिंग में कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पर सेव्ड पड़ी है अगर तो हम इस पूरे एरे को एक साथ एक्सेस कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती हैं देखो समझो बात को वो क्या कह रहा है मेन मेमरी हाँ है ठीक है इस मेन मेमोरी में कहीं यहाँ पर कोई एरे बना हुआ है ठीक एरे बना हुआ है एरे के अंदर सपोज करो कि कंटिन्यूअसली टेन इंस्ट्रक्शन लगातार इंस्ट्रक्शन वन इंस्ट्रक्शन टू थ्री एंड अप टू हंड्रेड हंड्रेड तक या टेन तक लगा लो टेन तक इंस्ट्रक्शन है अब हमें चाहिए कि हमें इस 10 की 10 को ही एग्जीक्यूट करना है और एग्जीक्यूट करना है अगर आपको याद हो कि हमने कॉन्सेप्ट किया था कैशे मेमोरी का है ना तो कैशे मेमोरी यही तो काम करती है जब भी सीपीयू को नीड पड़ती है किसी भी डेटा की जो मेन मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है कैशिय मेमोरी क्या करती है फटाफट जाएगी सेकेंडरी मेमोरी से या प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेगी और सीपीयू को हैंड ओवर कर देगी यही काम करती है अब वो क्या उसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो डेटा फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है उसको वो अपने अंदर थोड़ा सा स्पेस दे और स्टोर कर ले ताकि जब कभी भी उसकी दोबारा रिक्वायरमेंट हो वो उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू को दे सके बार बार उसे मेन मेमोरी तक या सेकेंडरी मेमोरी तक जाने की नीड ना पड़े यही करते हैं तो यही ये कंसेप्ट यूज कर रहा है कि हम एरे का डेटा स्ट्रक्चर का यूज क्यों कर रहे हैं ताकि अगर कंटिन्यूस मेमोरी पे कोई इंस्ट्रक्शंस हैं लगातार इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एक साथ ही हमने एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या करेंगे बार बार जाने की बजाय से पूरे एरे को ही एक्सेस कर लेंगे ऐसे नहीं करेंगे पहले वन पहले गए मेमरी से फल इंस्ट्रक्शन ली वापस से एग्जीक्यूट करी गए सेकेंडली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करी कंप्लीट हो गया फिर थर्ड पे गए ऐसे नहीं करेंगे बार बार उस तक जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम एरे को ही एक्सेस कर लेंगे पूरा एरे एक साथ एक्सेस हो जाएगा मतलब जब कभी भी इनको एग्जीक्यूट करने की नीड होगी वन टू टेन फटाफट एग्जीक्यूशन हो जाएगी ठीक है जब हमें पता ही है कि कंटिन्यू इंस्ट्रक्शन आ रही है कंटिन्यू मेमरी पे स्टोर है तब हम एरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है द कंपैक्ट नेचर ऑफ द इंस्ट्रक्शन रिजल्ट इन स्मॉलर प्रोग्राम साइज एंड वेरी लिटल रैम ठीक है इसमें वो क्या कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो चाहे लार्ज हो स्मॉल हो कोई डिपेंड नहीं करता उनका जो आउटपुट आएगा जो रिजल्ट आएगा प्रोग्राम में वो स्मॉलर होगा इसलिए हम जो हमारी रैम है कंप्यूटर सिस्टम में वो बहुत कम यूज़ होती है कम लोड रहता है रैम पे और जो डिस्क स्टोरेज है उसकी स्टोरेज की नीड ज़्यादा पड़ती है मतलब रैम पे हम काम कम कम करते हैं सिर्फ डेटा का इंस्ट्रक्शन लिया रैम में execution के लिए दे दिया बार बार हम उसका यूज़ नहीं करते एक ही बार ले लेते हैं और जो डिस्क स्टोरेज है यानी सेकेंडरी मेमोरी उसके लिए हम ज्यादा स्टोरेज की नीड लगती है ठीक है नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट डायरेक्टली सपोर्ट द हाई लेवल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर सचेस प्रोसीजर को लूप कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा वो कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में वो डायरेक्टली हाई लेवल की प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग कैसे किसी फंक्शन को हमने बनाना है और उसे कॉल करना है फर्स्ट सेकेंड कोई लूप लगाना है लूप कंट्रोलिंग हैज एक्सेट्रा मतलब ये सारे काम जब वो डायरेक्टली कर पा रहा है डायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रहा है तो वो उसके एडवांटेज है एंड हैज द कंपाइलर हैज़ टू डू वेरी लिटल वर्क टू ट्रांसलेट द हाई लेवल स्टेटमेंट टू द मशीन लेवल और उसको इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए ठीक है मतलब जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शन आ रही हैं अब हमें तो कंप्यूटर लैंग्वेज आती नहीं ठीक है मशीन लैंग्वेज हमें नहीं पता जीरो वन जीरो वन क्या होता है हम तो डायरेक्टली उसको कमांड देंगे ऐड करना है चलो ऐड करके दो और वो उसको चेंज करने वाला भी तो बीच में कोई मीडिएटर होगा वो कौन है कंपाइलर है अब कंपाइलर पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा वो भी इसके एडवांटेज है कि फटाफट से एग्जीक्यूशन कर रहा है हाई लेवल को मशीन में और मशीन को हाई लेवल में अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसकी मैनी इंस्ट्रक्शन इन आर्किटेक्चर वेरी हार्डली यूज अब से इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है ठीक है कॉम्प्लेक्स आर्टेक्ट आर्टेक्चर है तो इसके लिए क्या है उसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं हमने पढ़ा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर होती हैं नंबर ऑफ आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन सेट्स एड्रेसिंग मोड्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो यही कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम फ्रीकेंटली यूज़ करते ही नहीं है इनफैक्ट उनका यूज़ ही नहीं हो पाता ठीक तो ये इसका एक डिसएडवेंटेज है वो स्पेस ले रही है इंस्ट्रक्शन उसके लिए वर्किंग के लिए प्लेस है टास्क है वर्क करने के लिए लेकिन वो

यूज़ करने के लिए हमें मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा और मेमोरी स्टोरेज जो है वो में जाएगा विद द एडिशन ऑफ द मोर एंड मोर इंस्ट्रक्शन द मशीन लेवल लैंग्वेज बिकम द कॉम्प्लिकेट विद द एडिशन ऑफ मोर एंड मोर इंस्ट्रक्शन हम ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर इंस्ट्रक्शन जोड़ते रहते हैं जोड़ते रहते हैं जिससे क्या होता है मशीन लेवल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्ट तो उसको मशीन लेवल में लेकर जाना उसको जीरो वन में लेके जाना डिफिकल्ट हो जाता है अब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है हर इंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग तरीके का फॉर्मेट बना हुआ है कि ये इस तरह से जीरो वन में कन्वर्ट होगा ठीक है अगर हमने एक वर्ड भी लिखा है ना लाइक like हमने लिख दिया है यहाँ पर कंप्यूटर ये तो है हाई लेवल लैंग्वेज जो हम पढ़ सकते हैं यूजर पढ़ सकता है इस हाई लेवल लैंग्वेज को हमें मशीन लेवल में चेंज करना है जो कंपाइलर करेगा कंपाइलर फिक्स्ड है हाँ इसकी सेक वैल्यू क्या है सी की ओ की स्कैक वैल्यू क्या है एम की क्या है पी की क्या है उसको पता है कि इनके कंपाइलर में असैक वैल्यू क्या है ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग वो उसको कर देगा अब लेकिन जितने ज़्यादा हम इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं जितने ज़्यादा वर्ड्स यूज कर रहे हैं उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है कि उसको मैं चेंज कैसे करूँ मशीन लेवल में ठीक है जितना कॉम्प्लेक्स हमारे पास हाई लेवल डेटा होगा उतना ही ज़्यादा इनफैक्ट उससे डबल कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा मशीन कोड ठीक है तो ज़्यादा चीज़ होने भी इसके लिए हावी पड़ रही है वही इसकी डिसएडवांटेज बनती जा रही है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्किटेक्चर कुड बी कॉम्प्लिकेटेड टू डिकोड एंड मे एग्जीक्यूट इनफाइनाइटली इन इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ सेल्स आर्किटेक्चर कोड भी कॉम्प्लिकेटेड टू डिकोड अब कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन है वही वापस से डिकोड करना उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड मे एग्जीक्यूट इनसफिशियंटली वो इफेक्टिवली नहीं रन कर पाता विद इन अ लिमिटेड ट्रांसस्टर्स बजट स्लो स्पीड स्पीड स्लो हो जाती है इसको आप अलग से पॉइंट बना सकते हो पॉइंट नंबर फाइव की स्पीड स्लो हो जाती है ज़्यादा काम करने से तो फ्रेंड्स ये तो हमारा आज का टॉपिक का आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो